हेलो जी, मेरा नाम चिराग है एंड दिस इज माय 11 साल पुराना यामाहा फेजर। मुझे मेरी सारी चीज़ें मिनिमलिस्टिक और बहुत ही सिंपल पसंद है, इसीलिए मैंने आज तक अपने बाइक पे कोई मॉड्स नहीं करवाए हैं एक्स्ट्रा। जैसा भी आप बाइक देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल द सेम जो आपको कंपनी देती है। 11 साल से मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, एकदम साफ सिंपल। बस एक मोबाइल चार्जर लगवाया था, उसको भी तोड़ के एस्थेटिक बना दिया बिकॉज वो बहुत बड़ा लगता था यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल यू सी इज़ 11 ईयर ओल्ड। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द मॉड्स आई हैव ऑन माई बाइक। ये वीडियो मेरे बाइक की किसी मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो है हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की कदर करने के बारे में। सो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है हरजोत, जिसको आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा ही है। ही आस्क्ड मी, भैया यार ये बाइक पुरानी हो चुकी है, इसे बेच के नहीं क्यों ले लेते? एंड आई स्टार्टेड डे ड्रीमिंग अबाउट माई न्यू बाइक, कि मैं कौन सी बाइक लूँ, क्या करूँ। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, सब धुंधला धुंधला हो गया था। पर ऐसे धुंधले टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा आपको सही जवाब दे सकता है, वो होते हैं आपके पिताजी। तो जब मैंने अपने अब्बा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा बाइक लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको बाइक लेने की मना ही नहीं है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। उनका सवाल ये था कि इस बाइक में क्या दिक्कत है, और उस सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ ये था कि ये पुराना हो गया है। फिर जो अगली बात पिताजी ने कही ना, उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। उनका कहना ये था कि चीज़ पुरानी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि बेकार हो गई है। इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैंने इसका बहुत ख्याल रखा है, तो सिर्फ पुराने होने की वजह से मैं इसे यूजलेस नहीं कह सकता। दिस वर्ल्ड इज अ टू वे स्ट्रीट, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। आप चीज़ों की कदर करो, चीज़ें आपकी कदर करेंगी।